क्या सच में गुजरात के डूमस बीच पर भूतों का बसेरा है? भारत में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका रहस्य काफी दिलचस्प है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां की डरावनी कहानियों के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ गुजरात का डूमस बीच है, जिसे लोग हंटेड बीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का रहस्य बहुत ही अलग है और लोगों के माने तो यहाँ पर भूतों का बसेरा रहता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित डूमस बीच, ये बीच हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए पर्यटक खास तौर पर इसे देखने जाते हैं क्योंकि लोग यहाँ का बुक उठाना चाहते हैं। और ये चर्चा क्यों है इसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्य अस्त के बाद इस हंटेड बीच से अजीब अजीब तरह की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। ये बातें सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए शाम होते ही ये बीच पर पूरी तरह खाली हो जाती है। डूमस बीच के बारे में इसलिए ज्यादा लोग जानना चाहते हैं क्योंकि ये इंटरनेट पर भी चर्चा का विषय बना रहता है और हर कोई यहाँ से जुड़ा हुआ अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करता है। मगर इस जगह से ये आवाजें क्यों आती है इसके बारे में बहुत से लोग के पास अलग अलग तथ्य है, लेकिन असल में क्या रहस्य है यह कोई नहीं जानता। अरब सागर से सटा हुआ ये बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की रेत सफेद नहीं बल्कि काली होती है और इस बीच का इतिहास किसी राजा या रानी की प्रेम कथा नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बनाया था और इसलिए यहाँ की रेत काली है। इससे जुड़ी हुई एक बात 100% सही है कि इस बीच में लगा हुआ शव दाह ग्रह है जहाँ पर लाशें जलाई जाती है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होती या जिनका आज समय किसी एक्सीडेंट या खुदकुशी द्वारा मौत हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर भटकती रहती है। रात होते ही सभी रूह अपने अपने ठिकानों से निकलकर शोकाकुल करती है। इनमें कोई अच्छा तो कोई बुरा आत्मा होती है जो आपस में विलाप करते हुए चीखती चिल्लाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज आना बिल्कुल सत्य बात है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग इस जगह से जुड़ी बातों को शेयर करते हैं। इसी तरह सूरत के रहने वाले विश्वास पटेल ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, मैं दो बार ही डूमस बीच पर गया हूँ। वहाँ अपने दोस्तों के साथ रात में समय भी बिताया। जब मैं वहाँ पहली बार गया तो रात के समय में मैंने देखा समुद्र के किनारे कोई बैठकर रो रहा है और उसकी सिसकियों की आवाज़ आई। हमने पहले इसे इस जगह पर बारे में सुना था तो हम वहाँ एक पल भी नहीं रुके और वापस आ गए। फिर 8 महीने के बाद मैं वापस उस जगह पर रात में ही गया, लेकिन तब मुझे नहीं लगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत का बसेरा है। इसी तरह सूरत के ही रहने वाले फोटोग्राफर निशांत का कहना है कि वे 500 से ज़्यादा बार इस जगह पर जा चुके हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। रात में वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ क्रिकेट खेलने जाते हैं और उन्हें कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आता।